कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा और सनातन धर्म के खिलाफ इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अपशब्द पोस्ट किया था। इसके चलते जंगपुरा स्थित उनकी सोसाइटी की RWA ने उन्हें और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा है कि या तो वो सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगे, नहीं तो सोसाइटी छोड़कर चले जाएं। मणिशंकर अय्यर की बेटी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती है। सुरन्या की मां ने उन्हें शहद पिलाकर व्रत खत्म कराया था। सुरन्या के इस तरह की बयानबाजी से पूरी सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है और वो इसके लिए उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। अपने पोस्ट में सुरन्या ने लिखा कि वो अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनशन कर रही है। अयोध्या में हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसके बाद सोसाइटी के निवासियों ने विरोध दर्ज कराया। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मणिशंकर अय्यर अक्सर अपनी अनर्गल बयानबाजी कर जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी सुरन्या भी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ सुरन्या अय्यर ने उपवास किया था और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लेक किया था। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन उनकी मां ने एक चम्मच शहद पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सुरन्या का दावा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दिन अपना खोता हुआ लहलाता बसंत फिर से प्राप्त करेंगे और उन्हीं की यूनिटी के लिए उन्होंने व्रत किया है। हालांकि अब इसको लेकर जो उनकी RWA सोसाइटी है वो बेहद नाराज है। सोसाइटी का ये मानना है कि जिस तरीके की पोस्ट उन्होंने की उससे सोसाइटी की काफी बदनामी हुई और सोसाइटी का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद वहां पर 550 वर्षों से उस जगह को लेकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बेहद मान्यता रखते थे, लंबा संघर्ष हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वहां पर मंदिर बन रहा था, लेकिन उसके खिलाफ सुरन्या अय्यर ने न सिर्फ 3 दिन व्रत रखा बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक मैं आपके पास लौटूंगी, शिवम, जरा सुरन्या ने क्या कुछ कहा था पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के चलते दिल्ली का माहौल हिंदू अहंकार से भर गया है। एक भारतीय और एक हिंदू होने के नाते मैं इस सब से बहुत दुखी हूँ और इस बारे में बहुत सोचने के बाद कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आज से 3 दिन उपवास पर जाने का फैसला किया है। मैं सबसे पहले भारत के अपने मुस्लिम साथी नागरिकों के प्रति अपना प्यार और दुख व्यक्त करने के लिए ये कर रही हूँ। आज देश में जो हो रहा है मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से ये कहे बिना नहीं देख सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और अयोध्या में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करती हूँ और उसका खंडन करती हूँ। शिवम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम, वहां पर सोसाइटी के लोगों की तरफ से भी काफी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला, उनका क्या कुछ कहना था? सोसाइटी ने एक बाकायदा मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी दोनों को पत्र लिखा है। सोसाइटी का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरी लीगल प्रक्रिया को अपनाया गया, पूरा देश उत्साह में था, अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन सुरन्या ने जानबूझकर ऐसी भड़काऊ पोस्ट की जिससे सोसाइटी के लोगों में बेहद नाराजगी है। न सिर्फ सोसाइटी में को डिफेम किया है बल्कि वहां पर जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया है। ऐसे में या तो वो साफ तौर पर सार्वजनिक माफी मांगे या फिर उस सोसाइटी को छोड़ दे। हालांकि News18 ने आज जब सुरन्या अय्यर से संपर्क साधा तो सुरन्या अय्यर ने ये कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करना चाहती है और इसके लिए वो एक स्टेटमेंट भी जारी करेंगी। हालांकि सुरन्या का दावा है कि अब वो सोसाइटी में नहीं रहती हैं, वो वहां पर फिलहाल नहीं रहते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि मैंने देश के लिए बहुत काम किया, मैंने देश के लोगों के लिए काम किया है और जान पूछ कर मेरे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगी। एक तरीके से उन्होंने News18 से बात करने से या किसी भी मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो माफी नहीं मांगने जा रही है और ना उन्होंने कुछ गलत किया, वो देश हित में खड़ी हुई है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।